काम शुरू हो चुका है, सचिवालय पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। इस बीच हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि मंत्रालयों का विभाजन भी हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, मनीष सिसोदिया को शिक्षा, पीडब्ल्यूडी भी मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्रालय उन्हें दिया गया है, ऊर्जा विभाग रख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये तमाम जानकारियां आप नीचे देखते रहिए। इस बीच आइए आपको दिखाते हैं, मनीष सिसोदिया की पत्नी से भी बात हुई है हमने, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन राखी बिरला का मंत्री बनने के बाद जो पहली प्रतिक्रिया आई है वो आपको पहले दिखाते हैं। अपने काम के लिए जुट रहे हैं, यहाँ पर राखी जी हैं। राखी जी, आप मुख्यमंत्री कार्यालय में जा रही है, पहला कदम है इस दिल्ली सचिवालय में, यहीं से तमाम काम करने हैं, कैसा महसूस हो रहा है अभी इस वक्त? डेफिनेटली एक आम आदमी का दिल्ली सचिवालय में पहला कदम है, और आम आदमी या सचिवालय में घुसा तो डेफिनेटली। अरविंद जी के कमरे में जा रही है, पहली कैबिनेट मीटिंग अटेंड करेगी, कौन से फैसले हैं जो इस वक्त दिमाग में घूम रहे हैं कि पहली राहत दिल्ली के लोगों को दी? पहली राहत तो दिल्ली के जो लोगों के खुद ब खुद वो जो चाहेंगे उससे राहत दिल्ली मिलेगी उन्हें। 18 मुद्दे जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वही है, देखते हैं उस पर जल्दी से जल्दी जनता को। हर किसी की उम्मीद इसी बात से है कि कौन कौन से फैसले यहाँ पर लिए जाते हैं। कई लोग अभी जो यहाँ पे आपको दिखाएं माहौल, पूरे सचिवालय के कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं, और हर किसी के मन में यही होगा कि आखिरकार ये जो नई कैबिनेट बनी है, नई सरकार बनी है, नया कुछ करने की ठानी है, क्या कुछ नया करके दिखाती है। तो एक गहमा गहमी का माहौल है बहुत यहाँ पर है। लोगों से पूछते हैं, आप सचिवालय के कर्मचारी हैं, उम्मीद है सरकार से? जी हाँ, बहुत उम्मीद है, बहुत बढ़िया करेंगे। बहुत खुशी है, ईमानदार सरकार आई है और हम पूरा सहयोग करेंगे। हम लगता है क्या कि जो अभी तक माहौल था उसमें कुछ परिवर्तन होगा? परिवर्तन होने वाला है। बिल्कुल जी, क्या लगता है? बिल्कुल परिवर्तन होगा सर। क्या परिवर्तन होगा? ईमानदार सरकार आई है। ईमानदार और कुछ काम करने के तरीके में? काम करेंगे, बहुत मेहनत से। डर लग रहा है कहीं? लग रहा है क्या कि अभी तक नहीं लग रहा है? एक तरफ मंत्री है, दूसरे तरफ कर्मचारी है, तमाम हर लोग उत्सुक है, रोज हर किसी को ये पता नहीं है कि किस तरीके से काम होना है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हर कोई ये समझ रहा है कि अब ईमानदारी से काम होगा और काम करने का रवैया जरूर बदलेगा। कैमरामैन अमित कुमार के साथ कुमार खुणाल, दिल्ली आज तक।